गया रॉकेट। ये अपना काम जो घर पे हो गया तो हम क्यों जाएं यार बतोली बताओ। हाय हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यार आज है 18 तारीख तो फाइनली आज काउंसलिंग कराने का डेट आ गया है तो अभी कुछ देर में चलेंगे अपन लोग बतोली, उसके बाद काउंसलिंग कराएंगे। तो देखते हैं कि काउंसलिंग कितना टाइम स्टार्ट होता है। अभी तुरंत तो जाने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी 10 बज रहा है। बाकी अभी यहीं पे हूँ अपने अड्डे पे और वो रहा अपना भूतिया पेड़ जहाँ पे अपना समझ रहे अड्डा जहाँ व्लॉग अपलोड करते हैं। तो चलते हैं घर, उसके बाद नहाने वहाने चलेंगे अभी नदी। तो मस्त आज रेडी वेडी होके चलेंगे बतोली, क्योंकि आज बतोली मार्केट भी है क्या? हाँ, बुधवार गुरुवार तो आज बतोली का मार्केट भी है। तो चलते हैं, आज तो पूरा टाइम स्पेंट अपना बतोली में ही होगा क्योंकि अपने को कराना है काउंसलिंग, जो कि कराना ही है और सबसे पहले कराओगे तो ही अच्छा रहता है। बाकी चलते हैं और काउंसलिंग करा के आएंगे अपन लोग। तो यार पता नहीं कितना वैसे स्टार्ट हुआ होगा, बाकी दुकान खुल गया होगा अभी तक। तो देखते हैं कि कितना टाइम होता है अपना काउंसलिंग। तो चलते हैं और काउंसलिंग करा के आएंगे अपन लोग। फिलहाल घर जा रहा हूँ तो बस रेडी वेडी होके निकल लेंगे, उधर ही घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है? तो यार अभी मेरा बात हो गया है राहुल से और आशीष आर्यन से, तो वो भी बीएड का भर रहा है। राहुल का तो हो चुका है, वो जेवियर कॉलेज में है तो बीएड का वो कर रहा है। बाकी अपन लोग भी आज काउंसलिंग पे डालेंगे। तो राहुल बोल रहा था कि मोबाइल से भी हो जाता है काउंसलिंग या जो कुछ भी वो बोल रहा था, तो अपन मोबाइल से ही कर लेंगे। जिससे क्या है कि जो चार्ज लेते हैं ना एक्स्ट्रा नेट पार्लर वाले, वो चार्ज बच जाएगा और जितना रुपये का होता है एडजैक्ट उतना ही रुपये अपने को अपने अकाउंट से कटवाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कैसा भरना है क्या भरना है। बाकी आशीष आर्यन को बोल दिया हूँ कि वो भरेगा तो मेरे को भी बता देगा यार कि कैसे भरना है क्या करना है। और तो मैं अभी फ़िलहाल नदी आया हूँ, नहा लेता हूँ। मैं सोच रहा था नहा धोवा के चले गए भैया बतोली, अच्छा घूम फिर के आएंगे, बढ़िया काउंसलिंग करा के आएंगे। लेकिन अब तो हो रहा है कि मोबाइल पर भी हो जा रहा है तो अपन मोबाइल पर ही कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि जेवियर वाला ही हो जाए अपना, तो फिर एडमिशन वगैरह करा लेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ से अपन कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे। तो देखते हैं कि क्या सीन होता है अपना, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो वीडियो में बने रहें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक कर ले, इफ़ यू लाइक तो कर दें यार सब्सक्राइब, बेल आइकॉन ऑल पे करके एकदम घंटा बजा दें बेल का। तो नहा धोवा के निकल लेते हैं अपन लोग घर, उसके बाद उधर से व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। बाकी तो चलते चलते भी कुछ बातें करेंगे अपन लोग। बातें, ये बातें क्या होता है गाइस? तो यार काफ़ी ज़्यादा बात करने के लिए होता है बट वो अपना ऑडियंस जो है कि अपने ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लगता है अपने से। तो देखते हैं कि क्या बात करेंगे अपन लोग। तो कुछ देर में मिलता हूँ, फिलहाल नदी आया हूँ तो नदी में नहाने के बाद मिलता हूँ आपसे, ठीक है? सो गाइस अपन लोग नहा लिए हैं यार और अभी चलते हैं वापस से घर, वो तो जाना ही पड़ेगा घर। तो मेरे को तो ये सोचे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं कि यार देखो अपना जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर रहता है कॉलेज, जब फर्स्ट टाइम जाते हैं तो फर्स्ट टाइम तो अपने को बस वहाँ मेंटेन होने में लग जाता है, वहाँ एडजस्ट होने में लग जाता है। तो वो कॉलेज लाइफ अपना जो रहता है ना फर्स्ट, बहुत कोई एडजस्ट होने में टाइम लगा देते हैं जैसे कि अपने जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स, और बहुत कोई ऐसे रहते हैं जो भैया अरे यार अपना स्कूल टाइप का ही है और किसी को लगता है ज़्यादा स्पेशल, किसी को अजीब, तो अजीब टाइप के हर टाइप के स्टूडेंट रहते हैं। तो अपन लोग कॉलेज का जो असली एक्सपीरियंस है वो तो नहीं फील कर पाए हैं अपने ग्रेजुएशन पे। तो बीएड का अगर हो जाता है तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि यार कॉलेज जाएंगे फिर से, तो इस बार थोड़ा एकदम खुल के रहने की कोशिश करेंगे। बाकी तो एकदम बीएससी कर रहे थे जब, तब तो अपन लोग एकदम बस जाओ पढ़ो लिखो आओ, बाकी जो कॉलेज का जो कॉलेज लाइफ जो अपन लोग को जीना चाहिए वो नहीं जी पाए उतने अच्छे ढंग से। तो चलते हैं घर यार, उसके बाद डायरेक्टली अपन लोग साइट वाइट सर्च करेंगे, उसके बाद बीएड का काउंसलिंग करा लेंगे, फिर हो जाएगा अपना। बाकी यहाँ पे काफ़ी ढलान है तो यार चढ़ते चढ़ते पूरा थका देता है गाइस यहाँ पे, तो मेरे को ज़्यादा ही ठंडा वगैरह लगता है। अभी बहुत धूप कर दिया है फिर भी मैं जैकेट वैकेट लगाया हूँ, तो जैकेट डाला हूँ तगड़े से। तो बाकी पहले यहाँ पे एकदम शॉर्टकट रास्ता था, एकदम सीधा सीधा आता था, बट जब से ये वाला रोड बन गया है ना गाइस तो रोड पे ही आने जाने का मन करता है, आदत भी हो गया है कि रोड से ही आना जाना होता है। नहीं तो पहले मस्त घर से स्ट्रेट आते थे, घर से एकदम स्ट्रेट आना पड़ता था, तो वहाँ एक बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा सा,
तो अपन थक जाते थे इधर नदी से जाते जाते, तो वहाँ बरगद पेड़ पे थोड़ा सा अपन रेस्ट कर लेते थे, जो कि अभी दिखाऊंगा आपको बरगद पेड़। तो अभी तो ये वाला रोड पूरा आउटर साइड से पूरा राइट से घुमा के आ गया है बरगद पेड़ से, यहाँ से एक गवर्नमेंट स्कूल है उसके इधर से, तो यार इधर से आना पड़ता है, नहीं तो पहले मस्त स्ट्रेट में ये वाला जो रास्ता दिख रहा है ना गाइस, ये वाला जो इधर दिख रहा है, इधर सीधा सीधा गया था, तो उस वाले इसके जस्ट राइट वाले उस वाले खेत से बाड़ी जो भी बोलेंगे गोदाम या जो भी घोड़ा दिख रहा है आपको बगल में, घोड़ा बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो उसमें से अपन को जाना पड़ता था सीधे सीधे, तो वो वाला रास्ता काफ़ी अच्छा था, और आगे भी इधर से जाना पड़ता था, एकदम सीधे आते थे घर से यार, अपने घर के दरवाजे स्ट्रेट जाए डायरेक्ट नदी, उसके बाद फिर वापस जाओ तो बरगद पेड़ के पास बैठ जाते थे अपन लोग कुछ देर के लिए, एक ही थका देता था ना। तो बाकी इधर से भी रास्ता है कि नहीं है पता नहीं, नहीं तो पहले ये वाला जो रास्ता दिख रहा है ना, ये वाला इधर इधर से ही जाते थे और उधर सीधा सीधा जाते थे नदी, तो आजकल तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। बाकी बचपन में अपन लोग काफ़ी आते जाते थे नदी नहाने वहाने, बचपन में तो और ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो गाइस काफ़ी ज़्यादा घूमते फिरते थे, पूरे जंगल वंगल जाते थे, आजकल तो काफ़ी टाइम हो गया मैं जंगल ही नहीं गया हूँ गाइस। सो गाइस ये रहा वो बरगद का पेड़ जहाँ नीचे से आते थे, तो वहाँ से सीधा 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 वो वाला वहाँ से उतरता था रोड जो वहाँ नहीं दिख रहा है आपको, सिंधवायर का पेड़, वहाँ से स्ट्रेट ऐसे ऐसे फिर बरगद से हो के सीधे उधर जाता था नदी पूरा, लेकिन अब तो इधर से रोड बन गया है ये वाला, तो इसी में से जाते हैं ज़्यादा अधिकतर। सो गाइस ये वाला रोड जाता था पहले, मतलब ये वाला रास्ता जाता था, तब तो उधर दो घर बन गए हैं, पहले वो दो घर नहीं था, तो इधर से ही एकदम स्ट्रेट जाते थे नदी अपन लोग तगड़े से। सो गाइस लिटरली अभी बजने वाले हैं 12 बजने वाला है, 11:15 हो गया है, और ड्रोंजर अभी तक सो रहा है, समझ रहे हो ना, देख सकते हैं बंदा हिलते हुए। तो यार अपना हो चुका है काउंसलिंग का फॉर्म, हम डाल दिए हैं अपन लोग, तो सबसे पहले अपन लोग जेवियर कॉलेज का डाले हैं, उसके बाद अपन डाले हैं सरस्वती कॉलेज अंबिकापुर और जेवियर कॉलेज अंबिकापुर, उसके बाद एक थर्ड में ऐसे ही मैं डाल दिया हूँ संत थॉमस कॉलेज भिलाई का, जो कि दीदी कर रही है बीएड, पता चला यार वहीं कर दिया, तो 47 मार्क्स है, तो मे भी हो जाना चाहिए अपने जेवियर कॉलेज में, क्योंकि अपने को केवल जेवियर कॉलेज में ही जाना है, तो बतौली हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अपना काम जो घर पे हो गया तो हम क्यों जाएं यार बतौली बताओ। बाकी से अभी काफ़ी अच्छा धूप कर रहा है, तो एकदम मस्त धान वगैरह ढो रहे हैं गाँव वाले, काफ़ी अच्छा मौसम क्लाइमेट एक नंबर है, धूप किया है, हल्का सा हवा चल रहा है, बाकी मैं जैकेट पहना हूँ क्योंकि मेरे को तो ठंडा लगता ही रहता है यार हमेशा से, और क्या बोलें, बाकी यार आज पूरा फॉग वगैरह भी नहीं है, पूरा धुआं धुआं रहता है ना जंगल में, तो पूरा जंगल क्लियरली दिखाई दे रहा है अपने को, तो देख सकते हैं पीछे अपना कैलाश गुफा वाला पहाड़, तो वो भी दिखाई दे रहा है गाइस, और मैं हमेशा लेफ्ट वाले एंगल से करता हूँ व्लॉगिंग, तो ये वाले एंगल से काफ़ी कम ट्राई करता हूँ यार मैं व्लॉग करना राइट हैंड से, क्योंकि इधर से इस वाला जो फेस है ना वही अच्छा आता है, इसलिए मैं इधर से ही करता हूँ व्लॉगिंग। बाकी अब कहीं नहीं जा रहे हैं, बाकी खाना वाना भी नहीं खाया हूँ क्योंकि भूख नहीं लग रहा है यार अभी, तो काउंसलिंग कराना उतना भी हार्ड नहीं था, तो अपन तो कर चुके हैं यार काउंसलिंग, मज़ा आ गया वैसे तो। सो गाइस ये रहा अपना ऑफ रोडिंग टायर्स जो कि RTR पे लगाया हूँ मैं, और ये 120mm है, 120mm बोल दिया 120 साइज है इसका टायर का, बाकी अपना बाइक को थोड़ा बहुत धोने की आवश्यकता। सो गाइज ये वाले रास्ते से पहले अपन लोग जाते थे जो बता रहा था आपको हम पहले, और राहुल आ चुका है यार स्कूल से, अपन लोग राहुल को बोल रहा हूँ कि चल यार राहुल मेरे को गन्ना खिला के आना, तो किसी का गन्ना जा रहे हैं, तो किसी का गन्ना टपका लेंगे एक आध दोटी, उसके बाद गन्ना खाएंगे, उसके बाद आते हैं अपन लोग घूम के, तो चलते हैं और वीडियो में बने रहे हैं, और अभी व्लॉग कर रहा हूँ, बाकी राधिका लोग अपने इधर बहुत खेल रहे हैं, देख रहे हैं सरकारी स्कूल के बच्चे कितने बदमाश रहते हैं, तो अपन लोग चल रहे हैं वापस से इधर, जाते हैं नदी के उस पार जाना पड़ेगा क्योंकि गन्ना वन्ना उधर ही लगा हुआ है अच्छे से, तो यही वाला जगह है जहाँ मस्त आराम करते बहुत खेलते थे यार यहाँ पे, बट आजकल तो कुछ नहीं खेलते हैं ऐसा कुछ। तो गाइस अपन हम पहुँच गए हैं यार इधर गन्ना वाला बारी में, तो देखते हैं राहुल तोड़ने वाला है, दो टी गन्ना तोड़ेंगे, अरे मत कर यार कट जाएगा मेरे को,
सो गाइज, मैं और राहुल गन्ना खा लिए और खा रहे हैं। तो चल रहे हैं अपन लोग घर, चलते चलते खाते खाते जाएंगे और घर पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद आगे से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। बाकी अपना खटारा ब्लॉग तो कोई देखता है नहीं गाइज। बस अपन लोग यार क्या बताएं, विलेज लाइफ बहुत तगड़ा लाइफ है, समझ रहे हो ना, मज़ा आ जाता है गाइज। तो यार राहुल अभी तो एकदम फ्री फायर खेल रहा है, आज नहीं गया है मेरे साथ। और अपन लोग फिलहाल यहाँ पे हैं यार, मैं गया था नानी मम्मी को छोड़ के आया जराड़ी के नदी तक, उसके बाद उधर चल गए क्योंकि आज दिन था, ज़्यादा आगे तक नहीं छोड़ा। बाकी नदी में सोच रहे बाइक धो लूँगा, फिर नहीं धोया। तो कुछ देर में हम बोदा वाले घर के पास भी खड़ा था, तो क्या बताएं, बाकी तो देख सकते हैं फ्री फायर प्लेयर्स को। यार अपना पबजी ही साला इतना हाई नेटवर्क कंज्यूम करता है, बाकी तो फ्री फायर कहीं भी चल जाता है, अपना पबजी साला चलता ही नहीं है। पबजी खेल जवाने हो गए हैं अब तो, कसम से क्या बताएं गाइस।